ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, जैसे ही गाइस आप सभी को हर वीडियो में मिलता है। तो गाइस आप लोग जो अभी इजीली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप सभी को चले जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। मॉडल को ऐड कर देने के बाद गाइस आप लोगों को करना है कि आप सभी को जाना एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद गाइस पहले तो मैं अपने मॉडल को जहाँ पे शेडो है इसको इंक्रीज कर लूँगा, क्योंकि मेरा मॉडल जो है थोड़ा डार्क हो रखा है। तो अब इसको डन करना आप सभी को। फिर उसके बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को अपने मॉडल को जो यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे बैकग्राउंड में बैठाना है, ठीक है। आपका साइज़ वगैरह देख लेना, ठीक है, एंड पोज भी देख लेना। फिर उसके बाद गाइस आप लोगों को करना क्या, गाइस यहाँ पे आपको शेडो बनानी है, ठीक है। एंड शेडो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो शेडो बनाने के लिए आपको पहले यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ऐड फोटो में जाकर यहाँ पे बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में जाकर आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड करना है। देन उसके बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे फुल स्क्रीन करना है इसको, एंड इसको पीछे की साइड में ऐसे रखना है। एंड रेजर टूल में जाना है, इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना, ब्रश का साइज इंक्रीज करना है, फोटो को जूम करना है, एंड उसके बाद आपको कुछ इस टाइप से ऐसे इरेज करना है, पेंट करना है, ठीक है। एंड इसको डन कर देना आप सभी को। एंड उसके बाद आपको रेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऐसे मूव डाउन कर देना है, एंड इसके ऊपर से यहाँ पे कम कर देनी है। देन उसके बाद आप सभी को अगेन जाना है यहाँ पे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना है एक और ब्लैक बैकग्राउंड, ठीक है। तो बैकग्राउंड में जाएंगे ऐसे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेंगे, एंड इसको ऐड पे क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद आपको सेम साइज वो सेम चीज़ वही करनी है जो भी हमने किया था। तो इसको मैं फटाफट करता हूँ। ओके गाइस सो इतना हो जाने के बाद आप सभी को ऐड फोटो में जाना है दोबारा। एंड दोबारा ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना है आप सभी को स्मोक का पीएनजी, ठीक है। स्मोक का पीएनजी ऐड कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे फोटो को जूम करना है। एंड उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे जो है आपको अपनी जो आप हाथ में जो भी पकड़ा होगा उसके पास इस तरीके से रख के एंड उसको स्मोक से ऐड कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद मर्च हो जाएगा या इजिली, एंड उसके बाद कर देना डन। एंड उसके बाद आप सभी को ऐड फोटो में जाना है, एक बिगनेट का पीएनजी और ऐड करना है। तो यहाँ से हम इसको ऐड कर लेते हैं। एंड इसको ऐड कर देने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको इसको ऐड करना है, एंड इसको फुल स्क्रीन कर देना है कुछ इस टाइप से। एंड उसके बाद आप सभी को फोटो कर देना है डन, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको अपनी फोटो यहाँ पे सेव कर लेना है, एंड इसको लेकर चलना लाइट रूम ऐप में, क्योंकि गाइस बिना रिटच के हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है। तो इसको हम लाइट रूम ऐप में ऐड कर देना डायरेक्टली। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को करना क्या, जब आप फोटो ऐड करोगे तो आपको जाना है लाइट वाला ऑप्शन में। आपको इसको यहाँ पे पहले कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करना है, हल्का सा हाईलाइट जो है इसको यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे प्लस रखना है, शेडो जो है शेडो को थोड़ा सा बढ़ा देना है, एंड इसके बाद जो व्हाइट है व्हाइट को थोड़ा कम करना है, एंड ब्लैक है जो इसको यहाँ पे थोड़ा सा कम करना है। फिर चले जाना आपको यहाँ पे कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाना है, वाइब्रेशन बढ़ाने के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देना माइनस की तरफ। एंड उसके बाद चले जाना आपको मिक्स में, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन आपको माइनस करना है थोड़ा सा, एंड जो ल्यूमिनस इसको बढ़ा देना है। फिर उसके बाद आप सबको येलो कलर लेना, इसका ह्यू जो है आप थोड़ा प्लस कर देना, सैचुरेशन वैसे येलो कलर तो है ही नहीं तो सैचुरेशन माइनस कर देना बिल्कुल। फिर जाना आपको डार्क ब्लू में, आपको इसका ह्यू माइनस की तरफ रखना ताकि स्काई ब्लू टोन आ जाए, एंड सैचुरेशन प्लस। फिर कर देना आप सभी को डन। एंड जाना आप सभी नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे पहले फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में विग्नेट डाल देना है, एंड नीचे स्क्रॉल करना आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड चले जाना आपको नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो नोट डिस्क्रिप्शन डाल देना, एंड इसके नीचे मिलेगा कलर नोट डिस्क्रिप्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो फाइनली गाइस हमारी फोटो पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी चले मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।